हेलो फ्रेंड्स, सुकुंदोपल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मेरे छोटी सी गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की पॉलिनेटर आया और सारे फूल को देखते हुए खासकर इस रानी कलर के फूल के आसपास लगातार मंडराते रहा। और आप देख सकते हैं इस एक एक फूल के ऊपर यह बैठ रहा है और पॉलन ग्रेन को ये खा रहा है। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। रानी कलर और ब्लैक कलर का भौरा दोनों का कम्बिनेशन देखने में बहुत ही सुंदर लगा, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी से शेयर कर रही हूँ। ये है मॉस रोज़ का फूल, जिसे 9 o'clock या 10 o'clock फूल भी कहते हैं। इसे गुल दोपहरी और पोटलका के नाम से भी जानते हैं। यह देसी वैरायटी का प्लांट है और इसलिए ये बहुत ही लंबे लंबे इसकी स्टेम है और ये घना ज़्यादा है। हाइब्रिड वैरायटी का जो मॉस रोज़ का प्लांट है वह थोड़े छोटे में होते हैं और उसकी पत्तियां स्टेम के ऊपर काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं। और ये रानी कलर के अलावे और भी बहुत सारे कलर में आपको मिलेगा। मेरे पास इसका मल्टीपेटल का भी फूल है और बहुत सारे कलर भी है, जिसका वीडियो मैंने कल ही आप सभी से शेयर किया है। डिटेल वीडियो है और इस प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। आज का वीडियो ये भौरा और फूल का है, जो कि मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और ये भौरा मैंने देखा कि इसकी जो मल्टीपेटल का फूल है उसके ऊपर मंडरा तो रहा था, लेकिन एक बार भी नहीं बैठा, क्योंकि उसका पॉलन ग्रेन दिखता नहीं है। और इस मॉस रोज का फूल जो है कप सेपेड है और इसमें काफ़ी सारा आप देख सकते हैं येलो कलर का पॉलन ग्रेन दिख रहा है, जिस पे आसानी से भौरा बैठ के इस पॉलन ग्रेन को खा रहा है। और ये लगातार हर फूल के ऊपर बैठा है, ऐसा नहीं है कि एक फूल को भी नहीं छोड़ा है, एक एक फूल के ऊपर ये बैठ बैठ के मंडराता रहा और मैं इसका वीडियो शूट करती रही। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये भौरा इस फूल के साथ लग रहा है। जिस वक्त ये भौरा मेरे बाग में आया उस समय दोपहर की समय थी, बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन मैंने जब देखा ये भौरा मंडरा रहा है तो मैं धूप में ही इसका वीडियो बनाना शुरू कर दी। और जब तक ये भौरा मेरे गार्डन में रहा तब तक मैं उससे चिल्लाती धूप में भी साथ में रही। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये भौरा और फूल जरूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें।